आज से कई साल पहले न्यूज़ यानी समाचार कुछ इस प्रकार से सुनाए जाते थे। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। मंत्री जी आज ही नेपाल के दौरे के लिए रवाना होने वाले हैं। उम्मीद है मंत्री जी को आगे भी इस तरह के दौरे पड़ते रहेंगे। धन्यवाद। समाचार समाप्त हुए। फिर आया दौर टीआरपी का और सब बदल गया। अरे ओ मेकअप की दुकान, कितना मेकअप थोपेगी, चल काम कर। कौन बोला, कौन बोला? मैडम आप जो भी है ना, आप ये बात सुन लीजिए, मेरा नाम है बबीता सिंह। मैं कोई छोटी मोटी रिपोर्टर नहीं हूँ, आए दिन ट्विटर पे ट्रोल होती रहती हूँ, और तो और बच्चा बच्चा मेरे नाम का मीम बनाता है। आपको पता होना चाहिए कि मैं कितनी बड़ी स्टार रिपोर्टर हूँ। और हाँ, मुझे कुछ बोलने से पहले ना, पहले ही अपना टेलीप्रॉम्प्टर ठीक कराओ। पता नहीं क्या अनशन लिखते रहते हो उसमें। क्या लिखा था पिछले हफ्ते? खबर ये थी कि लकड़ी की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, और आप लोग क्या लिख रहे हैं? लड़की की फैक्ट्री में लगी आग? लड़कियों की फैक्ट्री चलवा रहे हो आप लोग? अच्छा ठीक है ठीक है, अभी फिलहाल तो मंत्री जी के इंटरव्यू की तैयारी करो। ठीक है, मंत्री जी का इंटरव्यू, कोई बात नहीं, नॉट अ बिग डील फॉर मी। हमारे देश में हमने बहुत सारी चीज़ें उखाड़ी। यार ये क्या लिखा है तुमने, ढंग से लिखा करो भाई, तुम्हारी वजह से कितने मीम्स बन चुके हैं मेरे पे। गूगल पे पप्पू टाइप करो तो सबसे पहले हमारा नाम आता है। यार थोड़ा सुधारो अपने काम को यार। और शुरू हो गया क्या? अरे यार पहले क्यों नहीं बताया। नमस्कार, मैं हूँ बबीता सिंह। तो आज हमारे बीच स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसे व्यक्ति जिनको किसी तरह के इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए हम उन्हें इंट्रोड्यूस भी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नेताजी की किन मुद्दों पे आज हम आपसे सवालात करेंगे, और इन सवालातों का जवाब चाहिए हमें आपसे। तो पहला सवाल मेरा ये है कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं देश के, जिस तरह की समस्याओं से देश जूझ रहा है, जो महामारी चल रही है देश में, कोरोना जैसी महामारी जिससे लोग मर रहे हैं, आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं? भाई देखिए, इसके बारे में एक मिनट, मैं आपको यहीं पे रोकना चाहती हूँ। मैं इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि देश के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं कोरोना की वजह से, जो इस वक्त देश में अनएम्प्लॉयमेंट का एक दौर चला है कि लॉकडाउन है, गरीब आदमी काम नहीं कर पा रहा है, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, तो इसके बारे में सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई इसके अलावा एक मिनट माफ़ी चाहूँगी, मैं आपको ये बीच में रोकना चाहूँगी, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जो समस्याओं का समाधान है इसके निकालने के लिए, कभी आपने सोचा कि क्या मैं किसी गरीब से मिलूं, क्या मैं किसी गरीब इलाके में जाकर देखूं कि वहां क्या समस्याएं हैं? आपने कभी ऐसा जानने की कोशिश करी? बताइए आप चुप क्यों हैं? आपसे जनता जानना चाहती है, नेशन वांट्स टू नो। आप बताइए चुप क्यों हैं? आप ऐसी टेढ़ी मेढ़ी शक्लें मत बनाइए, आप बताइए, देश जानना चाहता है आपसे, क्या कर रहे हैं आप बताइए? आपकी आवाज़ खामोश क्यों है? आपकी बोलती बंद क्यों हो गई? अब बताइए आपसे मैं पूछ रही हूँ कुछ, बस करो यार। अरे कब से आप बोले जा रही हैं, बोलिए बोलिए बताइए। अरे हम भी कुछ कहना चाहते हैं, हम भी आपसे बात करना चाहते हैं, आप बात करने का मौका तो दें। चलिए ऐसे ऐसे रोइए मत, चलिए चलिए बोलिए बोलिए, आपको मौका दिया जाएगा, पूरा मौका दिया जाएगा जी। धन्यवाद। तो हम ये कह रहे थे कि जो देश है, एक मिनट, इससे पहले आप कुछ बोले, मैं एक मिनट हमारे दर्शकों को बताना चाहती हूँ, माफ़ी चाहूँगी मंत्री जी, मुझे आपको यहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है सीधा मुंबई से। तो मंत्री जी के साथ जो हमारा इंटरव्यू है, हमें उसे यहीं जो है रोकना पड़ेगा, उसके लिए खेद है, लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, सीधा सीधा मुंबई से आ रही है, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मशहूर अभिनेत्री शांति प्रिया का कुत्ता, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, मशहूर अभिनेत्री शांति प्रिया का कुत्ता कल सुबह 8 बजे से लापता है, और हमारे संवाददाता इस वक्त वहीं मौजूद हैं। तो सीधा चलते हैं मुंबई की तरफ और देखते हैं कि आखिर ये रिपोर्ट है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया बबीता। तो बबीता इस वक्त मैं खड़ा हूँ मुंबई शहर की मशहूर अभिनेत्री शांति प्रिया के घर के पास, और खबर है कि कल सुबह 8 बजे से शांति प्रिया का जो कुत्ता है वो नहीं मिल रहा है, और जाहिर सी बात है कि उनका कुत्ता लापता है, तो ये बहुत ही बड़ी दुखद घटना है शांति प्रिया के लिए, एक ऐसी घटना है जिसने शांति प्रिया को झंझोर के रख दिया है, बल्कि शांति प्रिया ही नहीं, उनके चाहने वाले, उनके फैंस जितने भी हैं बहुत ही परेशान हैं। इनफैक्ट इस वक्त शायद देश का हर एक व्यक्ति यही चाहता होगा कि शांति प्रिया को उनके कुत्ते से दोबारा मिला दिया जाए। तब तक आप लोग देखते रहिए, कैमरामैन रजत के साथ बकलोल राम, कब तक हवा से भी तेज।
गजब बेइज्जती है। मतलब इतनी देर से हम बोलने की कोशिश कुछ कर रहे हैं, हम चाहते हैं कुछ बताना, अपनी बात को रखना चाहते हैं, हमारी बात ही नहीं सुन रही मैडम, अपनी बोले चले जा रही हैं, और वो भी ऐसे प्रश्न हमसे किए जा रहे हैं जिनका हमें उत्तर भी नहीं मालूम, क्योंकि सरकार हमारी थोड़ी है। कमाल है यार, ये लोग हमें हल्के में ले रहे हैं, इनको ये नहीं मालूम कि हम कौन हैं। ऐसी मशीन बनाऊंगा कि इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा। तो इसी के साथ वक्त हो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आगे भी जारी रहेंगी खबरें, देखते रहिए कब तक। हवा से भी तेज। ओए, एक तो बीच में सामान रख देते हो यार तुम लोग।